हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं साइक्लिक ग्रुप्स का लेक्चर नंबर 16 जो कि 15 का पार्ट है, मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अब 6th पॉइंट डिस्कस करना है। 6th पॉइंट, 6th पॉइंट एक रिजल्ट है। एक ग्रुप ओ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। ये रिजल्ट है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। मैं इसका लॉजिक देता हूं। लॉजिक, मान लो ग्रुप का ऑर्डर है जो प्राइम है, तो ग्रुप में ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक ए होगा, एक ए स्क्वायर होगा, इस तरह से ए एन होगा, पी एलिमेंट होंगे इसमें, और यूं कह सकते हो आप, यूं जी ई ए बी सी ऐसे कुछ भी, जेड टी कुछ मर्जी है कि पी एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर है 1 होगा, और हम जानते हैं ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी। एलिमेंट का ऑर्डर है ना, प्राइम का ऑर्डर पी को डिवाइड करेगा। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी आर 1 एंड पी, यही पॉसिबल ऑर्डर है। बट इन ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज द only element having order 1, so remaining elements must be of order p। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट का ना ऑर्डर p होगा, तो इसका मतलब है ना g कंटेन कर गया। इसका मतलब है जी कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो जी क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है ना हमेशा साइक्लिक होगा। देखो हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, कंट्रापोजिटिव पता होना चाहिए, कन्वर्स पता होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ये है, इफ पी देन क्यू, इसका कंट्रापोजिटिव क्या बनेगा, इसका जो कंट्रापोजिटिव बनेगा हम है ना यहां से उठाएंगे इसका नेगेशन, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, क्योंकि इसका नेगेशन लिख देंगे हम। कन्वर्स क्या बनेगा ऊपर वाली स्टेटमेंट का, कन्वर्स इस स्टेटमेंट का यहां से उठाएंगे, इफ क्यू देन पी। हमने देखा है जो वन साइडेड रिजल्ट होते हैं उनके कन्वर्स ट्रू नहीं होते, इन जनरल कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट है ना कंट्रापोजिटिव का इक्विवेलेंट होती है, एवरी स्टेटमेंट इज equivalent to its contrapositive।
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मतलब कोई स्टेटमेंट और उसका कंट्रा पॉजिटिव, ये दोनों बातें एक ही है, एक ही बात को कहने के दो अंदाज हैं, मीनिंग एक ही निकलता है दोनों से। देखिए अब मैं इसी पे लगाता हूँ, तो पहले स्टेटमेंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ ए ग्रुप इज ऑफ प्राइम ऑर्डर देन द ग्रुप इज साइक्लिक। इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, इसी बात का कंट्रा पॉजिटिव ये बनेगा, इफ ए ग्रुप इज नॉट साइक्लिक। मैं यहां से उठाऊंगा, यहां से मैं नेगेशन ले लूंगा स्टेटमेंट का, और देन लगाकर है ना इस स्टेटमेंट का भी नेगेशन ले लूंगा, देन दैट ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक। अभी मैं इसका कन्वर्स बनाता हूं, कन्वर्स क्या बनेगा, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बना रहा हूं मैं, इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक। देखिए यहां से उठाऊंगा, देन की जगह यहां इफ लग जाएगा, इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक, यहां देन लग जाएगा, देन दैट ग्रुप इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये है। तो कन्वर्स के बारे में क्या विचार है, इन जनरल नीड नॉट बी ट्रू, हम ऐसा पढ़ते हैं, बहुत जगह ये सिचुएशन देखेंगे, इन जनरल है ना, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, पार्शियली ट्रू हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, हर एग्जाम्पल के लिए नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, रियल एनालिसिस हो, काउंटर एग्जाम्पल्स बहुत बड़ी बात है। जिस स्टूडेंट को काउंटर एग्जाम्पल आते हैं ना, वो इस सब्जेक्ट की धज्जियाँ उड़ा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है Z4, ये साइक्लिक ग्रुप है, बट इट इज नॉट ऑफ प्राइम ऑर्डर, काउंटर दे दिया ना मैंने स्टेटमेंट का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। हाँ अगर किसी बच्चे ने ये दिया Z30, ये साइक्लिक है और इट इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हालांकि ये बात है इसको ट्रू कर रही है, लेकिन कोई स्टेटमेंट ट्रू तब होती है जब वो इन जनरल ट्रू हो, सबके लिए ट्रू हो। मेरे पास काउंटर पड़ा है, इसके लिए काउंटर एग्जांपल पड़ा है जो इसको फोर्स कर रहा है, तो इसलिए कन्वर्स है, ट्रू नहीं होते। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। देखो फाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है। मान लो कोई मुझे ये कहता है, मेरे पास है ना एक एन ऑर्डर का ग्रुप है और साइक्लिक है, मैं कहूंगा कुछ नहीं है, वो आपका जो ग्रुप है ना वो जेड एन के आइसोमोर्फिक है। अब है ना आइसोमोर्फिक एक बहुत बड़ी बात होती है, आइसो आइसो मैंने सेम, मोर्फिक स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर,
यानी कि जो आपका ग्रुप है ना उसका स्ट्रक्चर सेम है जो ZN का है। अगर कोई मुझसे मांगे कि मुझे ना एक 15 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप दो, लेट ऑर्डर ऑफ जी है 15 है, जी है साइक्लिक है। मुझसे कोई आकर ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है और वो साइक्लिक है, मैं कहूँगा वो कुछ नहीं है, वो ग्रुप है आपका Z15 के आइसोमॉर्फिक है, कोई अलग ग्रुप नहीं है, मतलब सेम स्ट्रक्चर का है। एक एल्जेब्रिस्ट के चश्मे से जब आप देखोगे ना तो वो Z15 के बिल्कुल डिटो सेम स्ट्रक्चर देगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म होती है, ये आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऐसे होगा, साइक्लिक फाइनाइट, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हमेशा ZN के आइसोमॉर्फिक होगा। दिस इज द की पॉइंट। नेक्स्ट एट्थ पॉइंट, मैं एट्थ पॉइंट में मूव करता हूं, आउट ऑफ Z Q R C Q star R star C star Q positive R positive only Z is cyclic। देखो ये ग्रुप हमने बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, कहता है इनमें से केवल Z साइक्लिक है एंड द रिमेनिंग आर नॉन साइक्लिक। मतलब इसको छोड़ के ये की पॉइंट है, ये वाला साइक्लिक है, बाकी ये सब कैसे हैं, नॉन साइक्लिक है, ये सब नॉन साइक्लिक। लॉजिक देता हूं मैं, लॉजिक जो Z होता है ना, Z में एलिमेंट कुछ इस तरह से होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 .. चलता रहता है, ये इसकी आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 है, ये ना अंडर एडिशन ग्रुप है, इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन। साइक्लिक ग्रुप का मतलब है इसको ना एक सिंगल एलिमेंट जनरेट कर देगा, जैसे मान लो मैं 1 उठाता हूं, 1 की पावर 1 करना 1 आएगा, 1 की पावर 2 करना। देखिए कई स्टूडेंट है गलती करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बड़ी दुविधा की बात है, बच्चों के बात समझ में नहीं आती है, वो है ना 1 × 1 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ग्रुप है ना अंडर एडिशन है, यहाँ 1² का मतलब है 1+1, यानी कि 2 × 1 2 मिल जाएगा, 1 की क्यूब करोगे 1+1+1 दैट इज 3 × 1 मिल जाएगा, 3 मिलेगा। सिमिलरली 1 की n करोगे 1+1+1 n times n मिल जाएगा। इस तरह से है ना ये सारी की सारी पॉजिटिव पावर मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कोई भी पावर प्रोड्यूस कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि ये एलिमेंट तो आपने जनरेट कर दिए जी, इनको और जनरेट करके दिखाओ। आप है 1 की -1 करना। देखिए 1 की -1 का मतलब क्या है, अब बच्चे ये सोचते हैं कि 1 का इनवर्स है, 1 का इनवर्स ठीक बात बोल रहे हैं वो, 1 का इनवर्स है तो ये -1 आएगा। अब 1 की -2 करें, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का इनवर्स इसकी पावर 2, तो 1 का इनवर्स कौन होगा, -1 का 2। अब बच्चे सोचते हैं ये +1 आएगा, नहीं -1 है दो बार ऐड हो रहा है, ये ऑपरेशन लग रहा है -2। मैं ये एलिमेंट भी ले आया, 1 की -3 करो, 1 का इनवर्स इसकी क्यूब,
माइनस वन की क्यूब, इसका मतलब माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन होगा, माइनस थ्री होगा। सिमिलरली वन की माइनस एन करो, मैं इसको वन की माइनस वन की एन लिख सकता हूँ। वन का इन्वर्स कौन होगा, माइनस वन होगा, माइनस वन की एन, ये होगा माइनस वन प्लस नाइन माइनस वन, ये एन टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा एन इंटू माइनस वन, माइनस एन आएगा, तो हर एक एलिमेंट है प्रोड्यूस हो जाएगा। जब आप माइनस वन की जीरो करोगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो आगे आता है, तो हर एक एलिमेंट इसका हमें मिल जाएगा। तो इसलिए सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया जेड, वन ने इसको जनरेट कर दिया। अगर वन जनरेट कर देगा, इसका इनवर्स भी इसको जनरेट कर देगा, माइनस वन भी, तो ये दो जनरेटर हैं इसके, बाकी और कोई एलिमेंट नहीं जनरेट कर पाएगा इसको। तो अब ये रिजल्ट बनता है रिजल्ट नंबर नाइन। रिजल्ट नंबर नाइन ये है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू जनरेटर्स। कोई भी है ना इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा ना, उसके टू जनरेटर होंगे। टेंथ रिजल्ट, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड। देखिए, कोई मुझे कहता है मेरे पास है ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप का है ना इनफाइनाइट है, और स्टेटमेंट दे रहा है वो जी साइक्लिक है, वो मुझसे पूछे कि बता जी कौन है, मैं ये कहूँगा उसको मुझे नहीं पता जी कौन है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है वो है ना जी जेड के आइसोमॉर्फिक है। और जो जेड है ना उसके पास दो जनरेटर है, जेड हैज ओनली टू जनरेटर्स, नेमली प्लस वन एंड माइनस वन, इनसे पूरा जेड जनरेट किया जा सकता है, पूरा का पूरा जेड। अब जो रिमार्क है, देखिए रिमार्क, क्यू इज नॉट साइक्लिक, क्यू में एलिमेंट कौन कौन से हैं, अगर फर्स्ट लाइन देखी जाए सारे के सारे क्या आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। ये है एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, और ये ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, फिर ना टू से डिवाइड कर लो, माइनस थ्री बाय टू, माइनस वन बाय टू, वन बाय टू, थ्री बाय टू, ऐसे फिर थ्री से डिवाइड कर लो, माइनस टू बाय थ्री, वन बाय थ्री, फोर बाय थ्री, माइनस फोर बाय थ्री, इस तरह से इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब है ना इसको कोई सिंगल एलिमेंट है ना जनरेट नहीं कर सकता, नो सिंगल एलिमेंट जनरेट्स क्यू, सो क्यू इज नॉट साइक्लिक। क्योंकि अगर आप वन से कोशिश करोगे ना, वन से तो सारे इंटीजर्स जनरेट होंगे। कोई कहता है कि मैं वन बाय टू से जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, वन बाय टू की वन करेगा वन बाय टू, वन बाय टू की टू करेगा वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन, वन बाय टू की थ्री करेगा थ्री टाइम वन बाय टू, वन बाय टू की फोर करेगा फोर टाइम वन बाय टू, ऐसे टू। तो वन बाय टू से है ना आप वन बाय थ्री जनरेट नहीं कर सकते,
कभी भी इस एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकते। तो सिंगल एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये ग्रुप है साइक्लिक नहीं होगा। तो ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे है 11th रिजल्ट। 11th रिजल्ट देखिए आप क्या है। 11th रिजल्ट में है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। हाँ, ये सही बात है कि जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है ना, वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल ही होता है, अलग नहीं होता, बिल्कुल इक्वल होता है। डिटो 12th पॉइंट ये है, इफ पेन नहीं चल रहा सही से, इफ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। यानी कि अगर है ना किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट जनरेट कर रहा है उसको, तो उसका इनवर्स भी उसको पक्का जनरेट करेगा। ये रिजल्ट है, हमने देखा भी है। जैसे जेड को 1 ने जनरेट किया तो -1 भी जेड को जनरेट कर देगा। 13 टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर दो साइक्लिक ग्रुप है ना सेम ऑर्डर के, वो हमेशा क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। क्योंकि अगर फाइनाइट है जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर इनफाइनाइट है जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। 14 रिजल्ट, यू ऑफ एन इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू 1, 2, 4 पी रेस टू पावर एम और 2 टाइम पी रेस टू पावर एम, वेयर पी इज एन ओड प्राइम। ये रिजल्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू एन है ना साइक्लिक होगा अगर एन हमारे पास इस तरह से है, यानी कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यू वन, मैं देखना चाहता हूं साइक्लिक कौन कौन सा है, एन को देख लो बस, एन वन है साइक्लिक है, यू टू, एन कितना है 2 है साइक्लिक है, यू थ्री, एन थ्री है। देखो रिजल्ट क्या था हमारे पास, 1, 2, 4 जब एन ये हो और किसकी फॉर्म में हो, पी एम की फॉर्म में हो और 2 टाइम पी एम की फॉर्म में हो, साइक्लिक होता है। इफ एंड ओनली इफ का मेरे पास ये रिजल्ट था, इफ एंड ओनली इफ का। देखिए ये इस कैटेगरी में आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की 1, 3 एक ऑड प्राइम है तो साइक्लिक हो जाएगा। यू फोर ये भी साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि एन फोर है। फिर यू फाइव यस, क्योंकि इस कैटेगरी का आएगा, 5 की 1 लिख सकता हूं मैं तो एन फाइव है, हो जाएगा। यू सिक्स क्या इस कैटेगरी में आ जाएगा, 2 × 3 की 1 यस हो जाएगा। जब मैं यू सेवन की बात करता हूं, एन सेवन है, 7 एक ऑड प्राइम है उसकी 1 हो जाएगा। यू एट की बात करूंगा, 8 को मैं लिख सकता हूं
2 की क्यूब, तो ना तो इस कैटेगरी का है ना इस कैटेगरी का है, तो ये नॉट साइक्लिक है। U8, U9, U9 में n कितना है, 9 है, यहाँ n 8 था, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की 2, इस कैटेगरी में आएगा तो साइक्लिक हो जाएगा। U10, n मेरे पास है 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की 1, तो इस कैटेगरी में आएगा तो ये भी साइक्लिक हो जाएगा। देखिए आगे मैं देखना चाहता हूँ, जब मेरे पास हो ना U11, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, ऐसे हैं। N की वैल्यू इसमें कितनी है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और लास्ट 20 है। देखो जब 11 है ना, देखो एक तो होता है एन पी की एम ओ, एक एन है 2P की MO, पी क्या है, ओड प्राइम है, ध्यान रहे ये ओड प्राइम। 11 को मैं 11 की 1 लिख सकता हूँ तो ये है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2, 3 की 1, नहीं ये इस टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब है 12 साइक्लिक नहीं है। 13 है क्योंकि 13 की 1 लिख सकता हूँ, 14 है 2 × 7 की 1 लिख सकता हूँ, इस कैटेगरी में आ जाएगा, 15 3 × 5 है, 3 × 5 लिखूंगा तो ना तो इस टाइप का है ये ना इस टाइप का है, तो नहीं है ये साइक्लिक। 16 2 की 4 लिख सकता हूँ मैं, ना तो इस टाइप का है ना इस टाइप का है, तो ये भी नहीं है। 17 यस ये साइक्लिक है। 18 को मैं लिखता हूँ 2 × 3 का स्क्वायर, यस ये है। 19 को मैं 19 की 1 लिख सकता हूँ, यस ये है। 20 को मैं अगर लिखूँ तो 2 की 2, 5 की 1 ऐसे लिखूंगा, ना तो ये इस टाइप का है ना ये इस टाइप का है, तो ये नहीं है, तो U20 नहीं है, U15 और 16 नहीं है, U12 नहीं है, और पहले मैंने देखा था आप लोगों को दिखाया था U8 नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है UN में, UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ N1, 2 और 4 और PM और 2PM, वेयर P इज ओल्ड प्राइम, जहाँ पर ओल्ड प्राइम है ना ये की वर्ड है, मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखें ओल्ड प्राइम। तो कोई अब मुझसे पूछे कि बताओ U40 के बारे में क्या विचार है आपका, U40 के बारे में कोई मुझसे पूछे ये साइक्लिक है या नहीं है, मैं क्या करूँगा, 40 के को ऐसे प्राइम फैक्टर करूँगा 20, 10, 5, 40 को लिखता हूँ मैं 2 की 3 × 5 की 1, n क्या हो, या तो p की m हो या 2 × p की m हो, तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, इफ एंड ओनली का रिजल्ट है, तो ये इस टाइप का नहीं है, तो ये क्या है, इट इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है साइक्लिक, क्योंकि ये इस टाइप का नहीं है, इसका मतलब है इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है U40 के ऑर्डर के बराबर नहीं होगा, जो ऑर्डर है U40 का वो होता है 5O40, कई स्टूडेंट इसका ऑर्डर 40 समझ बैठते हैं, वो गलत है। अब क्वेश्चन उठता है कि U15 साइक्लिक है, ये क्वेश्चन है, तो 15 के फैक्टर करो 3 × 5 की 1, तो ना तो इस टाइप का है ना इस टाइप का है, तो आंसर है नो, आंसर आएगा नो। अब क्वेश्चन आता है क्या मैं कर देता हूँ इसमें 77, U77 क्या साइक्लिक है,
आंसर देखो, मैं इसको 7 × 11 ले सकता हूँ तो नो, क्योंकि या तो इस टाइप का हो या इस टाइप का हो। क्या U49 साइक्लिक है, ये क्वेश्चन उठता है। यस, क्योंकि 49 इज इक्वल टू 7 की 2 इस फॉर्म का है, पी की पावर एम का है, पी है ओड प्राइम है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।